जो स्मार्टफोन है ना, मेरी लाइफ का अभी तक का वन ऑफ द वर्स्ट परचेस है, क्योंकि मेरे पास 15 प्रो मैक्स भी है जिसे मैं पिछले एक साल से यूज कर रहा हूँ, और 16 प्रो को मैंने प्राइमरीली वीडियो बनाने के लिए परचेस नहीं किया था, इसे मैंने पर्सनल यूज के लिए परचेस किया था। बाकी अभी के टाइम पे थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है इस स्मार्टफोन को परचेस करके, क्योंकि कोई भी मेजर अपग्रेड्स मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो एप्पल का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिल जाता है, मिनिमल देखने को मिलता है, और इतना मिनिमल मिलता है कि आपको इनबॉक्स को भी चार्जर और कवर नहीं मिलता। और इस बार तो इन्होंने स्टिकर्स भी हटा दिए हैं। मेन डिवाइस के साथ साथ केबल देखने को मिल जाएगी, जो कि एक यूएसबी 2.0 वाली केबल है, और आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन में कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं आता है। पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करूँ, जैसे आप इस स्मार्टफोन को परचेस करो तो स्क्रीन गार्ड पहले ही दिन लगा लेना, भले ही लोकल मार्केट से लगवाना, क्योंकि मैंने 6-7 दिन तक इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई नहीं किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो 6-7 दिन लग गए आने में। उसी बीच यहाँ पर कुछ बड़े स्क्रैचेस भी आ गए थे। बाकी बात करूँ डिजाइन की, तो देखो मैंने जो स्मार्टफोन परचेस किया है ना, वो है डेजर्ट टाइटेनियम कलर में, और आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन क्या ही जबरदस्त देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा बैक से ऑफ व्हाइटिश लुक के साथ आता है, और साइड फ्रेम में आपको थोड़ी सी ब्रॉन्ज कलर में देखने को मिल जाएगी, और कलर मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा है, क्योंकि पिछले साल मेरे पास ब्लू टाइटेनियम था, वहां पर साइड में बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट के मार्क्स आ रहे थे, पर यहाँ पर ना के बराबर आते हैं। बाकी फ्रंट में बहुत ही स्लिम बेजल्स भी देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट 15 प्रो मैक्स के बेजल्स भी स्लिम है, पर जब साइड बाय साइड रखते हैं तो इसका जो डिजाइन है ना, एकदम बेजललेस फील होता है। और इस बार जो मेजर डिजाइन में चेंज है वो है कैप्चर बटन। इसके लिए इंटरनेट पे अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक यूजलेस बटन है, क्योंकि जब से मैंने इसे परचेस किया ना, मुश्किल से एक दो बार ही यूज किया होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर सेंसिटिव हैप्टिक रिस्पांस मिलता है, जिसकी वजह से बटन को क्लिक करते वक्त थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है। नो डाउट अच्छा फीचर है, पर जब भी आप फोटोज क्लिक करते हैं या फिर सेल्फी क्लिक करते हैं तो फोटोज कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिल जाती है। और देखो जो बटन है ना, वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरह फील होता है, अगर टच आईडी दे देते तो भी ये एक सेंस बनाता। और मुझे तो देखो कैप्चर बटन थोड़ा सा यूजलेस लगा, क्योंकि एक्शन बटन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कैमरे के लिए, उसके साथ साथ राइट स्वाइप करते हैं तो भी कैमरा ऐप आ जाती है, और लॉक स्क्रीन में भी कैमरा आइकन देखने को मिल जाता है। बाकी बटन प्रेशर सेंसिटिव है, तो आप इसे स्लाइड करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, पर जूम इन जूम आउट की सेंसिटिविटी है ना, बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो जूम इन एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता है। इसकी बजाय जो नॉर्मल स्क्रीन पे जूम इन वाला आता है ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बाकी बात करूं डिस्प्ले की, तो देखो 6.3 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। इससे पहले जो प्रो डिवाइसेस थे ना, उसमें 6.1 इंचेस की डिस्प्ले आती थी, जो कि थोड़ी सी छोटी फील होती थी। इस बार स्मार्टफोन परफेक्ट साइज में है, और इसीलिए मैंने इसे परचेस किया था। डिस्प्ले की क्वालिटी टॉप नोज देखने को मिल जाती है, कलर कैलिब्रेशन भी बहुत ही अच्छा है, पर यहाँ पर डिस्प्ले में रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। S24 अल्ट्रा के जैसे एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले नहीं है, और डिस्प्ले की कलर थ्योरी नेचुरल साइड में रहती है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सपोर्ट मिल जाएगा, यूट्यूब में भी 4K HDR का सपोर्ट है, और एक्सपीरियंस टॉप नोच रहता है। बाकी देखो बात करूं परफॉर्मेंस की, तो आईफोन 16 प्रो में एप्पल की तरफ से A18 प्रो चिप देखने को मिल जाती है। 16 प्रो का एंटूटू स्कोर 1,64,000 के आसपास आता है, वहीं जो 15 प्रो मैक्स है उसका एंटूटू स्कोर 1,45,000 के आसपास था। और गीगबेंच में भी परफॉर्मेंस में अपग्रेड्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात करूं गेमिंग की, तो पबजी में HDR सेटिंग पे एक्सट्रीम तक का सपोर्ट मिल जाता है। गेमिंग करते वक्त मुझे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले, और टेम्परेचर को भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। यहाँ पर मैंने जेंसिंग इंपैक्ट भी खेल के देखा था, और जब मैं डाउनलोड कर रहा था ना, तब स्मार्टफोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएंट है वो सिर्फ 128GB रोम वाला वेरिएंट है। नो डाउट प्राइसिंग कम हुई है, क्योंकि इसकी जो असेंबली है वो इस बार इंडिया में ही हो रही है, पर साथ में एप्पल को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, ये एप्पल की तरफ से आने वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, और यहाँ पर 2024 में भी सिर्फ 128GB रोम वाला वेरिएंट देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। बाकी जैसे तैसे स्टोरेज खाली करके जेंसिंग इंपैक्ट मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया, और यहाँ पर 120fps का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिले, पर थोड़ा अगर आप जेंसिंग इंपैक्ट थोड़ा लंबे समय तक खेलते हो तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हीटिंग देखने को मिली है। अभी बात करूं बैटरी की, तो देखो मैंने स्मार्टफोन के साथ इसका जो 30W वाला चार्जर है उसे परचेस नहीं किया था। मेरे पास जो मैकबुक का चार्जर था उससे ही मैं इसे चार्ज कर रहा था, और लैपटॉप चार्जर से 10% से 100% होने में इसे ऑलमोस्ट 1 घंटे 33 मिनट का टाइम लगा है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। पर इस स्मार्टफोन की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर तो देखने को मिलता है, पर बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। पिछली बार 3200 के आसपास की बैटरी थी, इस बार एप्पल ने यहाँ पर 3500 की बैटरी को यूज किया है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़े हेवी यूजर भी है ना, तो यहाँ पर आपको अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में आराम से 7 से 7.5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि इनफ है। और मैंने यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग करके भी बैटरी को चेक किया था, तो आराम से 6 से 6.5 घंटे तक यहाँ पर बैटरी बैकअप मिल जा रहा है। बाकी देखो बात कर लेते हैं कैमरे की। पिछले साल 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में कैमरे में डिफरेंस था, पर इस बार 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सेम कैमरा सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस बार जो कैमरे में मेजर अपग्रेड्स है,
है वो ये है कि 48 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है और मेन कैमरे से आप 4K 120 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरेज की, तो देखो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे में ऑन पेपर अपग्रेड जरूर देखने को मिलते हैं, पर साइड बाय साइड जब मैंने 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो की फोटोज को देखा तो जो फोटोज की क्वालिटी है ना उसमें कुछ भी इतना मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिला है। इवन बहुत सारे सीनियरियोज में तो मुझे 15 प्रो मैक्स की फोटोज बेटर देखने को मिली है। 16 प्रो की फोटोज अच्छी है, शेडो पार्ट को अच्छे से हैंडल किया है, पर कहीं ना कहीं फोटोज में थोड़ा सा येलोइश टिंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करो अगर मेन कैमरे की क्वालिटी की, तो मेन कैमरे की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है, कलर थ्योरी भी सेम है। बस जो छोटा सा डिफरेंस है ना वो ये कि 16 प्रो की जो फोटोज हैं उसमें शेडो पार्ट को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है एज कम्पेयर टू 15 प्रो मैक्स। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिलते हैं, और क्योंकि इस बार 16 प्रो में भी 5x लेंस आ गया है जिसकी वजह से ये एक बहुत ज्यादा वर्सेटाइल कैमरा बन जाता है। बहुत ही अच्छी कैमरे की क्वालिटी 5x लेंस से भी देखने को मिल जाती है नॉर्मल डे में। अगर आप नाइट में फोटोज क्लिक करते हैं 5x में तो नॉइज जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैंने 15 प्रो मैक्स से अपग्रेड किया था तो मुझे यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी में इतने कोई मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिले हैं। इस बार कैप्चर बटन भी देखने को मिल जाता है जिससे आप मोड चेंज कर सकते हैं, और इस बार जो इनका मोड वाला ऑप्शन है ना वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव देखने को मिलता है। यहाँ पर पहले से प्रीसेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ साथ नीचे छोटा सा एडजस्टमेंट स्लाइडर है जिसे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्डिंग सेचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं और फोटोज में अपने टोन को दे सकते हैं। बात करो कैप्चर बटन की, तो देखो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, पहले मैंने बताया था थोड़ा सा हार्ड है, प्रेशर सेंसिटिव होने की वजह से हाफ प्रेस होता है, पर फुल प्रेस करने पे थोड़े से आपको मतलब थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है। बाकी बात करो वीडियो की, तो देखो एप्पल की जो वीडियो क्वालिटी है ना वो वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिल जाती है। अभी जो एप्पल इवेंट आया था ना यहाँ पर आधे से ज्यादा टाइम सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, पर आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस देखने को नहीं मिलता है। मैंने 18.1 और 18.2 बीटा वर्जन को अपडेट किया था जहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, और जब से मैंने अपडेट किया ना तब से मूड और खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पर सीरी का जो रिस्पॉन्स है ना वो अभी भी वही पुराना वाला देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से कभी कभी इरिटेशन हो जाता है। गूगल के जेमिनी जितना वर्सेटाइल देखने को नहीं मिलता, और इवन बहुत सारे टाइम तो सीरी ब्लैंक हो जाती है, उसे पता ही नहीं रहता है क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। Utmost admiration. Bye bye, good night. You have my utmost admiration. Siri, bye bye, good night. You have my utmost admiration. बाकी देखो इस बार iOS 18 में रिकॉर्डिंग फीचर देखने को मिल जाता है जहां पर अनाउंसमेंट तो होती है पर एटलीस्ट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा स्पीकर की क्वालिटी जबरदस्त देखने को मिल जाएगी, IP68 का सर्टिफिकेशन भी है तो आप वेदर कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखो क्योंकि अभी दिवाली सेल में 15 प्रो मैक्स भी 1,20,000 के आसपास बिक रहा है, तो अगर आप भी 16 प्रो और 15 प्रो मैक्स के बीच में कंफ्यूज हैं तो देखो दोनों स्मार्टफोन अलग अलग यूजर्स के लिए हैं। अगर आपको स्मॉल फॉर्म फैक्टर चाहिए या फिर लेटेस्ट एप्पल का स्मार्टफोन चाहिए, बजट आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो 1,20,000 में 16 प्रो नो डाउट एक अच्छी चॉइस है। पर अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, आपको गेमिंग करनी है, तो आप 15 प्रो मैक्स के साथ जा सकते हैं। और पर्सनली देखो दोस्तों अगर आपके पास 15 सीरीज है ना, 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स, तो आपको 16 सीरीज के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेजर अपग्रेड्स मुझे यहां पर देखने को नहीं मिले। क्योंकि पर्सनली मैंने यूज किया है ना तो मुझे तो देखो बुरा लग रहा है इस स्मार्टफोन को परचेस करके, इसकी जगह मैं S24 अल्ट्रा परचेस कर सकता था, पर क्योंकि मुझे स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला स्मार्टफोन चाहिए था और सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज का कोई भी स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस भी आ रहा है तो इसे परचेस करना चाहिए। और जैसे परचेस किया तो एप्पल इंटेलिजेंस अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा है। और बुरा इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम बजट में 2.5 महीने में अभी S25 अल्ट्रा लॉन्च होने ही वाला है। अभी तक 80,000 के बजट रेंज में आने वाले आईफोन 16 और 16 प्लस में 60Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती है, 10 से 12,000 वाले स्मार्टफोन में भी 120Hz वाली डिस्प्ले आने लग गई है, और आईफोन 12 सीरीज के बाद से इतने कोई मेजर अपग्रेड्स भी देखने को नहीं मिले। एप्पल एक $3 trillion वर्थ की कंपनी है, इनके पास दुनिया भर के रिसर्चर्स हैं, दुनिया भर का पैसा है R&D में लगाने के लिए, पर कहीं ना कहीं एप्पल बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, अपने स्मार्टफोन में इनोवेशन तो कर रहा है, और इनोवेशन करता भी है ना तो इतने छोटे छोटे इनोवेशन होते हैं और ईयरली बेसिस पर करता है ताकि वो हर साल पैसा कमा सके। होपफुली एप्पल को जल्दी अकल आ जाए, क्योंकि बहुत सारे जो एप्पल के पुराने कस्टमर्स हैं ना जिन्हें नए स्मार्टफोन में कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिला है, वो अभी के टाइम पे सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज के साथ या फिर फोल्ड सीरीज के साथ जा रहे हैं।